क्या करता है YouTube पे भी इतना बोला करना यार। वो नहीं बोलता, नहीं, वो आएगा भी नहीं, वो नहीं आएगा, पता करना चाहिए मस्त है। ये हमारी बस का नंबर है क्योंकि अभी स्टॉप होगा। लास्ट टाइम मैं फोटो क्लिक करना भूल गई थी, गुड आइडिया दे दो ताकि लोग भूले ना। लेट मी शो यू माय रूम। बहुत ही ज्यादा कोजी और क्यूट है, छोटा है बट अमेजिंग है। दिस इज माय रूम, आई लव द बेडशीट एंड ये इन्होंने जो भी है बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक लैंप है, मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। आई लव द ड्रेप। ओवरऑल इस रूम की थीम बहुत अच्छी है, सिर्फ एक यही टेबल है एंड यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं एंड बाहर वो किसी और का, और वो कॉमन किचन है, कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे चल रहा है नेटफ्लिक्स। दिस इज़ द आउटसाइड व्यू, मतलब वाओ सो प्रिटी। एंड यहाँ पे है, मुझे इनका ये बहुत पसंद आया, मैं अपने लिए डेफिनेटली ये बनवाने वाली हूँ। नीचे उन्होंने रखे हुए ड्रायर वगैरह एंड बाथरूम इतना बड़ा नहीं है पर मुझे बाथरूम भी पसंद आया, लाइक स्मॉल बट क्लीन, टू क्लीन। मिरर, लव इट। एक लाइट है, दैट्स इट, दैट्स द होल बाथरूम, बट इट्स अमेजिंग। आई लव द रूम, लाइक कितना सुंदर है, मेरे टाइप का है। लव द बेडशीट, डेफिनेटली मुझे भी ऐसी बेडशीट चाहिए, और ड्रेप एंड एवरीथिंग, पूरी थीम अच्छी है इसकी। इस वीडियो के लास्ट में मैं बजट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि कौन से रूम का प्राइस कितना है, मैंने कहाँ से बुक किया और कौन कौन सी जगह पे है। का वेदर बहुत सही है, नो बारिश। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए एंड उसके बाद मैं यहाँ की जो मार्केट है, मेन मार्केट, उसमें जाऊँगी थोड़ा एक्सप्लोर करने, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं एक्सप्लोर किया। मेरा बेसिकली ट्रैवल चल रहा है, आज मैं रुकी हुई यहाँ पे, तो एक्सप्लोर करते हैं। आई लव दिस रूम, लाइक मस्त लगता है, छोटा सा है लेकिन इतना मस्त है ना, नींद इतनी अच्छी आती है, सब कुछ इतना टाइडी है, बहुत सुंदर है। ये रात हो जाएगी तो मैंने सोचा ब्लैक पहनते हैं, तो मैं पहनूंगी ये वाली ड्रेस। जा रही हूँ नहाने और इस पर प्रेस करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है 4:40 पे। कौन सा स्कूल है ये बच्चों का जो 4:40 पे छुट्टी करता है? इंडिया में तो 12 बजे के बाद 4:40। और मम्मी क्या बंठन के आई हम बच्चों को लेने, मम्मी मस्त लग रही है। तो हम जा रहे हैं नोट कैफे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रील देखी है। आई लव कॉफी, लुक एट दिस, यहाँ के पार्क बहुत सुंदर है। वाओ, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कोई प्लेस भी है। वाओ, पर बंद है, जा नहीं सकते। ये सुंदर है बहुत यार, फोटो खींच सकती हो, कितना सुंदर चर्च है। दिस इज अमेजिंग, काश मैं इसके अंदर देख पाती क्या है, पर ये बंद है, सब फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। मैं बंदा पूरी बढ़िया फोटो लेगा उस लड़के की, हमारा एस्थेटिक का लड़का। भाई इतना ऑकवर्ड पोज क्यों दे रहा है? वो दे रही है मस्त पोज, पर ये बंदा फोटो अच्छी लेगा। पर सो क्यूट, यहाँ लड़कियों ने नितिन को लगा दिया फोटो खींचने के लिए, नितिन बना फोटोग्राफर। 5 लड़कियों के साथ फ्लर्ट की कोशिश करते हुए इसके लिए वियतनामी लोग बंठन के आ रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए, इतना फेमस है मुझे पता नहीं था, लेकिन सुंदर तो बहुत है। रश देख रहे हो, रहा द नोट कैफे, इंस्टाग्राम फेमस, इसमें स्पेस भी है, तो बेसिकली यहाँ पे सारे, ओ माय गॉड, मुझे लगा था सिर्फ यही है। सो ये बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, लस्सी कॉफी तो पी सकते हैं। इन नोट पे कुछ लिखा भी है, टू बी ओल्ड एंड वाइज यू हैव टू बी यंग एंड डम। ओ वाह, नाइस, सो ट्रू, सो ट्रू, ट्रैवल फॉर इनफ टू मीट योरसेल्फ। वन हेजलनट लाटे, आइस, राइट? सारी जगह पे नोट्स ही नोट्स है। लस्सी यहाँ की कॉफी कैसी है, या फिर सिर्फ ये नोट्स के लिए फेमस है? व्यू, यहाँ तक कि पेड़ पे भी नोट्स लगे है। मुझे जानना है तूने क्या लिखना है। नो, वो मत लिखियो। She is so sweet. You're sweet too. Thank you. That's why you both are sweet. Aww. Ice hazelnuts. Yes. And coffee. Yes. Thank you. You
I don't know about the coffee, but view is amazing. That's my favorite. Hazelnut latte. Yeah, yeah. It's nice. It's not creamy, bit dark, but nice. My new subscriber. Yes. Note है मेरा मेरे लिए. जा रहे हैं वापस दूसरे प्लेस पे. थोड़ा देख के उतरना पड़ेगा. नाइस कैफे, नाइस पीपल, आई लव द वाइब. तो अगर आपको आसपास, डेफिनेटली चेक आउट दिस कैफे. बस थोड़ा संभल गया, थोड़ा स्पेस कम है. फर्स्ट प्लेस देखने जो कि है वो ट्रेन वाला, जो कि मेरा मन नहीं था लेकिन हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है. लाइक अभी जो कैफे में मिली वो भी बोल रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है कि उनका वहाँ से आने का मन नहीं था. तो देखते हैं ऐसा क्या है, मतलब इतना क्यों लोग हर कोई ये बोल रहे हैं कि वहाँ ज़रूर जाओ, वो बहुत बेस्ट है. इवन एक इंडियन कपल मिले थे, उन्होंने भी बोला कि वो सबसे बेस्ट जगह है अभी तक यहाँ पे. तो लस्सी, और उस ट्रेन का टाइम होता है 7:30 समथिंग ऐसे आती है. तो ये देखो बेचारा पिग खुद को सर्व कर रहा है. भाई क्या एडवर्टाइजमेंट है, पिग अपने आप को ही सर्व कर रहा है. यही है वो स्ट्रीट जहाँ पे आती है ट्रेन. यहाँ चलना है हमें. यहाँ पे एक बिल्ली देखी थी, मैं बिल्ली ढूंढ रही हूँ. लेट्स वेट फॉर अ ट्रेन, ट्रेन आएगी. और ये है मेरा डिनर, और मैंने ऑर्डर किए हैं फ्राइड नूडल्स वेज में. यहाँ के फेमस प्लेस का फूड. सो मैंने सिर्फ नूडल्स इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि वेज में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, पर खाने का टेस्ट लिमिटेड नहीं है. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नूडल्स हैं. वैसे भी मुझे वियतनाम के नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, टेस्ट अमेजिंग है. बट अगर आप नॉन वेज हो तो बहुत वेराइटी हैं, लेकिन वेज हो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं. ये लेन रात होते होते तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाती है, जैसे कि यू कैन सी सारे लाइट्स ऑन हो गए. कितना खूबसूरत लग रहा है. गाइस वी मीट अगेन. तो ट्रेन पता नहीं किधर से आएगी, इधर से आएगी ये इधर से आएगी, पर वेट करते हैं. बंदे को जब भी बोलती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए भाग जाता है ये. मेरे को 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, लेकिन ट्रेन नहीं आ रही. पर एटमॉस्फेयर और प्लेस अच्छा है बहुत. मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ और मम्मी को बोल रही हूँ कि यहाँ पे लोग ट्रेन के लिए बैठे. मम्मी क्या बोल रही तुम मुझसे? मैं ट्रेन में बैठ के गई हूँ, पर ये जगह ही फेमस है ट्रेन के लिए. तो यहाँ सब आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, ट्रेन देखते हैं, फिर चले जाते हैं. अच्छा हाँ, रात में देख कितना सुंदर है. कहीं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय. वैसे कुछ है नहीं ट्रेन में, माँ सही कह रही थी, बचपन से तो ट्रेन देखी है मैंने. एक ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ मैं 2 घंटे से, जस्ट फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड रील्स. Let me show you something. Like, he's chilling on me. यार इतना क्यूट है यार ये. सो गया ये मेरी गोदी में. You're so cute, baby. You're so cute. You're so cute. ये सो गया यार. Literally सो गया मेरे ऊपर. He's so cute. We're twinning. BTS spotted. Guys, I think train is coming. अब कैसे बाहर आ गए ट्रेन देखने के लिए? सब बाहर आ गया. इन लोगों के लिए तो सब कुछ नॉर्मल होगा, कहेंगे डेली देखते हैं हम ये सब. हाँ लेकिन कुछ है नहीं, बस इट्स जस्ट एंजॉयमेंट. यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे और सब वेट कर रहे थे ट्रेन आएगी, एंड ये शायद फूड व्लॉगर्स थे. मैं जा रही हूँ क्योंकि ट्रेन आएगी 9:15 पे. मैं 6-7 बजे से इंतजार कर, बट जगह अच्छी है, खाना भी अच्छा है, एंड व्यू भी मस्त है. तो हम जा रहे हैं कुछ और एक्सप्लोर करने. बट दिस लेन इज अमेजिंग, मुझे लेन पसंद आई. ऑर्केस्ट्रा साथ लेके चल रही हूँ. जिमेश आ गया, जिमेश आ गया. जिमेश तेरा 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 सुरू. भाई क्या कर रहा है लड़का, ये दिल दीवाना. ये मेरा भी आ गया दीवाना. ये दिल, ये मेरा खुद का ऑर्केस्ट्रा है. शहर को छोड़ा, इसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी याद किसी को करता है ये दिल. अब मैं हूँ डियर स्ट्रीट में. पी
रही थी तो मैं हूं नहीं यार, क्योंकि मुझे टेस्ट पसंद नहीं आता। सब बैठे हुए हैं, अरे यहाँ पे एक चीज बहुत सही है यार, ऐसे रोड पे इन्होंने बेंच लगा रखे हैं और लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं। भारत में लगा दो, रोडों पे आ जाएंगे पुलिस वाले सर ऐसे। है बियर का सरोजनी नगर, यहाँ पे बियर ही बियर मिल रही है और वो जैसे सरोजनी में करते ना वैसे। ओके मैंने सोचा अब आई हूँ तो ट्राई कर लेते हैं, बट आई नो मुझे टेस्ट पसंद नहीं आएगा, फिर भी लेट्स ट्राई। एंड ये है रियलिटी जब भी मैं ड्रिंक करती हूँ, मेरे साथ कोई ड्रिंक नहीं कर सकता मेरी शक्ल देखने के बाद। मैं बियर स्ट्रीट से बाहर आ गई हूँ, वहाँ पे तो गाने चल रहे थे कॉपीराइट म्यूजिक। मैंने बियर का एक सिप लिया और सो ब्यूटीफुल यार, रात में तो ये और भी सुंदर लग रहा है। आई लव दिस, इट्स अमेजिंग, बेस्ट व्यू। चुप रहे, कुछ भी बोल रहा है, बोल रहा है आंटी गंजी क्यों है, लड़का पिटवाने वाले काम कर रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है। मैं रूम में आ चुकी हूँ और अब मैं सफाई करके जा रही हूँ सोने। That's it for today. Bye guys.